नाउ केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन जो है, एज द नेम स्टेट्स इट, नाइट्रेशन इट मींस रिएक्शन विद HNO3। अगर आप फिनॉल लें और फिनॉल की रिएक्शन HNO3 के साथ आप कर दें, तो HNO3 को दो तरीके से आप ले सकते हैं। आप डाइल्यूट HNO3 भी ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी ले सकते हैं। तो दोनों के साथ जो रिएक्शन होती है ना, थोड़ा सा डिफर होती है। डाइल्यूट HNO3 इट मींस माइल्ड एसिड होगा, थोड़ा वीक एसिड की तरह काम करेगा, उसमें वाटर होगा। तो यहाँ पे जो है कंपाउंड जो बनते हैं वो कुछ इस तरह के बनते हैं, जिसमें कि आप ऑर्थो पोजिशन पे NO2 लगाते हैं या प्लस मेटा ये पैरा पोजिशन पे जो है NO2 ग्रुप लगाते हैं। OH के ऑर्थो पोजिशन पे NO2, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इसको बोलते हैं, और ये बोला जाता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये दो कंपाउंड बनते हैं। इन दोनों को जो है आप आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि OH और NO2 के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये इजीली वेपोराइज हो जाता है। तो हम स्टीम डिस्टिल कर सकते हैं इसको, और ये जो है हमारा, क्योंकि OH और NO2 ग्रुप एक दूसरे के पैरा पोजिशन पे है, तो यहां पर एक पैरा नाइट्रोफिनॉल और दूसरे पैरा नाइट्रोफिनॉल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वॉलेटाइल कम होता है, ये वॉलेटाइल ज्यादा होता है, तो आसानी से अलग किया जा सकता है। तो जो फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन अगर डायल्यूट से करें तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हमारे पास में बन रहे, बट इसी को अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में ट्रीट करें, दोनों में मीटअप करना है, तो देन जो प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरह का आप प्रोडक्ट देखते हैं। OH, NO2 हियर, NO2 और एक ऑर्थो पोजिशन जो दूसरी वाली है उसमें भी NO2। तो इट मींस 1 2, इट मींस 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये जो है हमारा प्रोडक्ट बना 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। दिस इज कॉमनली कॉल्ड पिक्रिक एसिड। तो जब कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं फिनॉल के साथ में, तो पिक्रिक एसिड फॉर्म करेगा, और डाइल्यूट HNO3 के साथ में अगर आप जाएं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनते हैं। तो सेम इसी तरह से कुछ और रिएक्शन हम आपके सामने रखते हैं। इसके बाद हैलोजिनेशन रिएक्शन है, तो आप देखें हैलोजिनेशन को, हैलोजिनेशन भी काफी इंटरेस्टिंग है। हैलोजिनेशन में हम आपको एक ब्रोमिनेशन बताएंगे। ब्रोमिनेशन में देखिए क्या होता है, दूसरी रिएक्शन है ब्रोमिनेशन हैलोजिनेशन के अंदर। तो ब्रोमिनेशन में या क्लोरीनेशन कुछ भी आप ले सकते हैं, तो इसमें भी दो तरह की रिएक्शन है। इसमें भी दो तरह की जो रिएक्शन है वो क्या है, एक तो लिया जाता है, अगर हम लें, अगर ब्रोमिनेशन करें तो Br2 है ब्रोमीन, Br2 को अगर आप इनर्ट इन्वायरमेंट में रिएक्ट कराते हैं, इनर्ट इन्वायरमेंट में, ये है कार्बन डाइसल्फाइड इनर्ट इन्वायरमेंट, बिकॉज दिस वन इज नॉन पोलर इनर्ट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है नॉन पोलर, उसी तरह से ये भी है। तब जाके जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। आप फिनॉल लेंगे और ऑर्थो पे Br लगेगा, और प्लस जो है OH लेंगे, पैरा पे Br लगेगा। तो ये है ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल, ये दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। दोनों में अगर आप देखें ऑर्थो है और ये पैरा है, तो ये वाला जो है हमारा
लेस अमाउंट में बनेगा और ये जो है मोर अमाउंट पे, दिस इज ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्सन. यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन होगा बिकॉज ऑफ द क्लोजनेस, और यहाँ पे दोनों काफी अपोजिट स्पेस में आप देख रहे हैं, दैट्स व्हाई देयर इज नो रिपल्सन या लीस्ट रिपल्सन बिटवीन द ग्रुप्स, दैट्स व्हाई दिस वन इज मेजर. ये मेजर अमाउंट में होगा और ये हमारा आ जाएगा माइनर अमाउंट. अगर हम कंडीशन बदल देते हैं, जो रिएक्शन की कंडीशन होती है वो प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो अगर यहाँ पे देखिए इनर्ट इन्वायरमेंट हमने दिया और अगर इसी रिएक्शन को हम कर दें बी आर टू और वाटर मिला दें, तो वाटर इज पोलर. देयर इज अ वेरी मच डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंडीशन. ये इनर्ट कंडीशन है और ये वाली जो कंडीशन है ये पोलर कंडीशन है. तो इनर्ट और पोलर दोनों में प्रोडक्ट में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है. तो जब एक्वस लेते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर. तो ब्रोमीन को जो है आप वाटर में मिक्सअप कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, तब जाके सेम जैसा अभी हमने कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ पे किया था, तो उसी तरह का यहाँ पर भी नेचर बनेगा प्रोडक्ट का. ऑर्थो पे भी या पैरा पे भी या, और जो है दूसरी ऑर्थो जो पोजिशन है वहां पर भी लगेगा. इट मीन्स ऑल द थ्री पोजिशंस आर ऑक्यूपाइड. जहां पे रेजोनेंस के दौरान नेगेटिव आता है वहां सभी पर ये लग सकता है. और इसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल. दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट. ओके, तो ये दो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट हमने अभी डिस्कस करी. एक तो था नाइट्रेशन और दूसरा था ब्रोमिनेशन. दोनों में जो प्रोडक्ट है उनमें काफी डिफरेंस आ रहा है. तो नाउ नेक्स्ट रिएक्शन हम लेंगे आपको सल्फोनेशन. सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में आपने पढ़ा होगा कि एज द नेम स्टेटेड सल्फोनेशन मींस रिएक्शन विद H2SO4. H2SO4 के साथ पे अगर आप फिनॉल की रिएक्शन करते हैं, तो जैसे नाइट्रेशन में आपने ऑर्थो और पैरा पे लिया था, उसी तरह से सेम यहां पर भी कुछ बनेगा. तो फिनॉल हमने लिया, रिएक्शन हमने करी H2SO4 के साथ. तो जो ग्रुप लगेगा इसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ग्रुप लगना है, और एक ऑर्थो पे लगेगा SO3H और एक दूसरे प्रोडक्ट में जो है पैरा पे SO3H लगेगा. तो इस तरह से दो प्रोडक्ट हमारे यहां पर भी बनेंगे SO3H और प्लस जो है पैरा पोजीशन पे OH, और यहां पर भी लग गया SO3H. एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक पैरा प्रोडक्ट. अगर हम इनमें कुछ बताएं कि इनमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, अगर इस रिएक्शन को देखें तो इनमें Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा इस रिएक्शन. तो यहां पर जो सल्फोनेशन होता है उसमें SO3 इलेक्ट्रोफाइल होगा. ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है. तो सल्फोनेशन में SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है. आप देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट में SO3H भी लगा हुआ, जो यहां पर का H है वो इसके साथ आया होगा. Br पॉजिटिव है, आप देख रहे हैं Br पॉजिटिव सब जगह लगा हुआ है. उसी तरह से इससे पहले जो रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक वो थी हमारी नाइट्रेशन. तो नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव इज एन इलेक्ट्रोफाइल. ओके, तो ये सल्फोनेशन भी हो गया. इसके बाद हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर रिमर टिमेन रिएक्शन. वेल नो नेम्ड रिएक्शन है, नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनॉल के अंदर रिमर टिमेन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रूप में है. तो सबसे पहले होता क्या है रिमर्टिमेन में, ये हम बताएंगे आपको. नेक्स्ट डी रिएक्शन आ गया आपका रिमर, REIME, रिमर्टिमेन रिएक्शन. रिमर्टिमेन रिएक्शन में सबसे पहले आपको मालूम है कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो तो फिनॉल है, क्योंकि टॉपिक हमारा फिनॉल वाला है तो वही सबस्ट्रेट हम लेंगे. प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म लिया जाएगा. और साथ में जो मीडियम होगा वो रहेगा बेसिक. इट मींस आप चाहे तो ले सकते हैं NaOH या KOH. अगर ये क्वेश्चन मार्क इस तरह से आपको सामने रखा गया है तो आप समझ लीजिए कि ये रिमर टिमेन रिएक्शन दी गई है. अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा इसको समझने के लिए, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है तो इसका मैकेनिज्म अगर भी आपको क्लियर होना चाहिए. मैकेनिज्म में कभी कभी आप ये से ये पूछा जा सकता है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है. एक्चुअली जब हम इन दो को रिएक्ट करते हैं तब जाके एक
इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है और वो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा कार्बीन, और जो इसमें यहाँ पर बोला जाएगा डाइक्लोरोकार्बीन। तो देखते हैं कि मैकेनिज्म इसकी क्या कहती है। मैकेनिज्म सबसे पहले क्या होगा, जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म इट मीन्स CH, CL3, CL, CL, CL ऐसे लिख देते हैं इसको, प्लस जो ये NaOH है यानी कि बेस जो है वो OH माइनस देगा, तो इट मीन्स OH माइनस। OH माइनस क्या करेगा, इसमें से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इट मीन्स इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा H पॉजिटिव यहां चला जाएगा, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव गया, इट मीन्स ये अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये अपनी जगह पर बने रहे हैं कार्बन के पास में। तो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा C, Cl, 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 दो इलेक्ट्रॉन एंड गेट नेगेटिव चार्ज, और H प्लस और OH माइनस मिलकर के हमें क्या बना देंगे, वाटर मिलेगा, ओके। इसके बाद का जो स्टेप होगा, आप देख रहे हैं OH माइनस हमें मिला NaOH से, तो इट मीन्स अभी भी सिस्टम में हमारे पास में एक इसका पार्ट बचा हुआ है Na पॉजिटिव। तो उसके साथ में सेकेंड स्टेप में आप ले सकते हैं सी नेगेटिव Cl, Cl, Cl प्लस Na पॉजिटिव। अब जो ये Na पॉजिटिव है उसको जो है यहां से नेगेटिव की जरूरत पड़ेगी, तो नेगेटिव कैसे होगा, देखिए ये जो C और Cl के बीच में बॉन्ड है कोई भी आप ले लीजिए, ऑल दीज थ्री आर इक्विवेलेंट, तो इनमें से किसी एक बॉन्ड को हम ले लेते हैं Cl की तरफ। तो जब आप इस बॉन्ड को पूरा Cl की तरफ ले जाएंगे तो ये दो ये इलेक्ट्रॉन तो इसी का ये इलेक्ट्रॉन भी यहां आएगा, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे अपनी जगह पर। तो यहां हमें मिलेगा C, Cl, Cl और ये दो इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी चार्ज और प्लस NaCl। तो अगर आप इसको क्लोजली वॉच करें तो इसमें देखिए कार्बन के पास में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 There are only 6 इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन एटम, इट मीन्स अभी भी ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी लिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन को, ये कार्बन को जो है दो इलेक्ट्रॉनों की और जरूरत है, तो दैट्स व्हाई दिस वन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज ये है अभी इलेक्ट्रोफाइल। तो यही इंपॉर्टेंट है, आपने क्या लिखा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला है रिएक्शन को, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अब किस में अटैक करेगा, आपका फिनॉल में। देयर इज अ थर्ड स्टेप, तो फिनॉल हम ले लेते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH इज हियर प्लस CCl2, शॉर्ट में पूरा लिख देंगे, दो इलेक्ट्रॉन है यहां पे। तो यहां जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, जो ये पाई बॉन्ड है बेंजीन रिंग का, ये ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट करेगा, और ये क्यों शिफ्ट करेगा उसके लिए आपको इसके रेजोनेंस बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो ऑक्सीजन में लोन पेयर है वो भी रिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इसी वजह से ये ड्राइविंग फोर्स का काम हो रहा है, पाई बॉन्ड जो है ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट करेगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ऑर्थो पे शिफ्ट करेगा तो यहां पर जो साइमल्टेनियसली नेगेटिव आने के साथ में ये सी पे अटैक कर जाएगा, तो देन हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा पहले वो ये आएगा OH और ये आ जाएगा H, C, Cl, दो इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे यहां पर, ये दो इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज नेगेटिव, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और एक कुछ मैंने छोड़ रखा है अभी, देखिए ये यहां शिफ्ट किया तो हमने इसको साइमल्टेनियस शिफ्ट न करके यहां पर पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, दिस इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा, ओके। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं उसका रीजन है, अगर आप इसका कार्बन को देखें, ये कार्बन आपको जो है sp3 कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जबकि और कार्बन आप देखेंगे जितने भी हैं वो sp2 है। तो इस रीजन में आपका रेजोनेंस नहीं होगा, यहां तक का और यहां तक का रेजोनेंस होगा। तो इसके बाद जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये अपना चेंज होगा, तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट स्टेप वाले में, सिग्मा कॉम्प्लेक्स को दोबारा हम लिख रहे हैं, दिस वन इज द फोर्थ स्टेप, OH, H, C, Cl2, नेगेटिव, डबल बॉन्ड यहां पॉजिटिव,
तो ये शिफ्ट करेगा, ये वाला सी और एच का बॉन्ड पॉजिटिव कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा डबल बॉन्ड, ये एच इसके पास बन जाएगा। तो ये बनेगा हमारा इस तरह से कुछ बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ गया, डबल बॉन्ड ये आ गया ओ एच, हियर सी एच सी एल सी एच, इट मीन्स सी एच सी बन गया। तो आफ्टर दैट जब ये बनने के बाद, अब इसमें हमें क्योंकि आपने देखा ओ एच जब पहले स्टेप में हमने लिया था तो इसमें वाटर वगैरह फॉर्म किया है, अब हम इसके साथ में वाटर की रिएक्शन करेंगे जो प्रोडक्ट है। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, और जो बना है कंपाउंड वो ये है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ एच सी एच सी एल सी एल एच टू। जब वाटर की रिएक्शन करेंगे तो वाटर में है आपका एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, वाटर का एच पॉजिटिव जो है इस सी एल नेगेटिव को लेके अलग हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा ओ एच डबल बॉन्ड ओ एच हियर सी एच, यहां ओ एच आ गया और ये सी एल आ गया, और एक माइनस एच सी एल, वाटर का एच प्लस सी एल को लेके एच सी एल बन गया, ओ एच यहां पे लग गया, सब जस्ट सब्स्टिट्यूट। ओके अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो दिस वन इज अनस्टेबल, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, उसका रीजन है क्यों, क्योंकि ये कार्बन अगर आप देखें इस कार्बन, इस कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड के साथ में सी एल भी है ओ एच भी है, ये ओ और सी एल दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो ये अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये स्टेबल में कैसे चेंज होगा, ओ और एच के बीच का बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा और सी एल जो है माइनस के रूप में आउट होगा, एच प्लस और सी एल माइनस मिलकर के एच सी एल बना देंगे और जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, दिस इज द बेंजीन, दिस वन इज द फाइनल कंपाउंड। तो इट मीन्स जो पहले हमने दिया था आपको मेन रिएक्शन दी थी फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, तो यहां पे जो कंपाउंड हमारा बनेगा वो बन गया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ये हो गया OH, CHO यहां पे आ गया, प्लस आप देख रहे हैं कि साइड प्रोडक्ट में यहां पर HCl बना हुआ है एक, और पहले स्टेप में अगर आपने देखा हो या दूसरे स्टेप में देखा हो तो उसमें एक में NaCl भी बना, तो ये कुछ चीजें जो है साइड में फॉर्म करेगी, उसको आप न भी लिखें तो भी चल जाएगा, बट मेन प्रोडक्ट बिल्कुल आपको लिखना पड़ेगा कि मेन है बेंजल्डिहाइड, दिस वन इज बेंजल्डिहाइड। सेम इसी तरह से रिमरडिमेन की एक रिएक्शन और है, अगर आप क्लोरोफॉर्म की जगह पर यहां पे अगर हम ये ले लें सी सी एल फोर अगर ले लें, अलग अलग अगर कंपाउंड ले लें, इसकी जगह पर सी सी एल फोर अगर ले लिया जाए तो सी सी एल फोर ले लें तो तब हमें मिलेगा, उस रिएक्शन को भी हम यहां पे लिख देते हैं, तो ये आ गया ओ एच प्लस सी सी एल फोर प्लस NaOH। तो इस पूरी मैकेनिज्म को अगर सेम इसी तरह से ड्रॉ करें हम तो हमारे पास जो फाइनल मॉलिक्यूल मिलेगा इसमें वो मिलेगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे OH, इधर आ जाएगा COH, प्लस साइड प्रोडक्ट उसी तरह से HCl और NaCl वगैरह फॉर्म करेंगे। तो जो ये कंपाउंड हमारे पास बना हुआ है ये है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो इट मींस जो दो रिएक्शन हमारे पास में है वो है, एक तो है हमारा जब NaOH और CCl4 लेते हैं तो सैलिसिलिक एसिड है, और जब आप क्लोरोफॉर्म और NaOH लेते हैं तो बेंजल्डिहाइड है। तो इट मींस इसकी मैकेनिज्म जो है होगी इसी तरह से, बट आपको इसकी मैकेनिज्म CCl4 के साथ में डाइक्लोरोकार्बिन नहीं बनाना है, उसके साथ में हमें बनाना है कार्बोनियम आयन, यानी कि सी पर पॉजिटिव आएगा वो इसके साथ में बनेगा। अगर हम उसको भी देखें तो उसको भी ले लेते हैं मैकेनिज्म के रूप में, रिमरडिमेन रिएक्शन में अगर आप CCl4 लेते हैं तो CCl4 प्लस Na+ पहले स्टेप में आप ले रहे हैं तो Na+ इसमें से Cl नेगेटिव को निकाल लेगा, तो CCl3 पॉजिटिव जो बन रहा है इसको लेकर के आप आगे जा सकते हैं दूसरे स्टेप में सीधे फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ। तो फिनॉल मॉलिक्यूल में OH प्लस CCl3, दिस वन इज पॉजिटिव, ये शिफ्ट करेगा यहां तो ये आ जाएगा हमारा OH पॉजिटिव एंड दिस वन एज CCl3
डबल बॉन्ड ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। तो इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स को फिर चेंज करना हमने, इसी में हम लोग आगे बढ़े हैं। यहां पे डबल बॉन्ड आएगा तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ एच हियर, डबल बॉन्ड सी सी एल थ्री अपनी जगह बना रहेगा। ये जो एच है ये वापस चला जाएगा, वापस जाकर के माइनस एच, और ये किससे मिलेगा वो भी देख सकते हैं आप, क्योंकि पहले आपने एन एच का केवल एन ए प्लस लिया है और ओ एच माइनस अभी सिस्टम में है तो एच प्लस मिलकर के वाटर बना देगा। तो ये बना, तो जो प्रोडक्ट अभी बना हुआ है उसके साथ में वाटर की रिएक्शन है, जो वाटर इसमें बन रहा है ओ एच सी सी एल थ्री प्लस वाटर की रिएक्शन, इसमें सीधे हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं वाटर। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आप यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि जो सीएल थ्री यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, तीन सीएल है तो थ्री वाटर के मॉलिक्यूल आप ले लेंगे, क्योंकि एच प्लस सीएल माइनस एच प्लस सीएल माइनस एच प्लस और सीएल माइनस तीनों सीएल निकल जाएंगे, इट मीन्स माइनस थ्री एच सी एल। और आप देख रहे हैं कि तीन ओ एच भी होंगे, ओ एच ओ एच ओ एच, तीनों के तीनों ओ एच भी कार्बन से जुड़ जाएंगे, तो एक स्पीसीज हमारे पास में कुछ इस तरह की बन जाएगी, डबल बॉन्ड ओ एच सी ओ एच सी ओ एच सी ओ एच। तो जो ये स्पीसीज बनी हुई है जिसमें अनस्टेबल, क्योंकि एक कार्बन के साथ में अगर आप देखें तो तीन ओ एच है, जब एक कार्बन के साथ में आप तीन ओ एच देख रहे हैं तो ये अनस्टेबल स्पीसीज है। यही चेंज होगी किस तरह से, देखो ये यहां आया, ये पाई बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड जो है ये यहां आउट हुआ, ओ एच माइनस और एच प्लस मिलकर के एक वाटर का मॉलिक्यूल वापस भी मिल गया आपको। इट मीन्स अगर हम देखें तो सिस्टम में कितने वाटर के मॉलिक्यूल यूज हुए, देखिए ओ एच माइनस और एच प्लस मिलकर के एक वाटर का मॉलिक्यूल बना और एक वापस आ गया, इट मीन्स दो ये हो गए, एक ही वाटर का मॉलिक्यूल यूज हुआ है। तो ये हो गया यहाँ, तो फाइनल मॉलिक्यूल जो हमें मिला इस तरह से बन जाएगा, डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ आ गया सी, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये ओ एच आ गया। तो इसका बने सी ओ एच, जो हम कह रहे थे शुरुआत में कि रिमर्टिमेन रिएक्शन में सी सी एल फोर लोगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा, ये सैलिसिलिक एसिड आपके सामने बन गया। तो मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसका ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसमें दिया हुआ है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी गेटरमैन गेटरमैन कोच। में क्या करना है, हम लेंगे फिनॉल, फिनॉल लेंगे, फिनॉल के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में HCl लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये तो कंडीशंस हैं, सबसे पहले हमें कंडीशन का पता होना चाहिए कि किस किस कंडीशन पे जो है फिनॉल रिएक्ट कर रहा है, तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी डिसाइड होते हैं। अगर आपने कंडीशन बदल दी तो ऑब्वियसली कि प्रोडक्ट भी डिफर। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मैकेनिज्म अगर हम देखें, इन दोनों की रिएक्शन होती है HCl plus AlCl3। तो इसमें से Cl- निकल करके इसके पास पहुंच जाएगा AlCl4- नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। जो ये H पॉजिटिव है ये फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। तो जैसा कि हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कार्बन मोनोऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरह का बनता है, ये O पे पॉजिटिव आता है और कार्बन पे क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो जो H पॉजिटिव पहले स्टेप में बना हुआ है वही इससे रिएक्ट करेगा। तो H पॉजिटिव में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, C में नेगेटिव दिख रहा है, तो ये H पॉजिटिव जो है C पे अटैक करेगा, तो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह का सी एच, फिर आया ट्रिपल बॉन्ड O पर पॉजिटिव है। अब जो O पर पॉजिटिव है वो कैसे न्यूट्रलाइज होता है, ये पाई बॉन्ड जो है यहां शिफ्ट करेगा, तो यही जाके चेंज हो जाएगा एच सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो जो अभी बना हुआ है यही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो बना है वो फाइनली आपका रिएक्ट करेगा फिनॉल के साथ में। तो फिनॉल है हमारे पास इस तरह से, तो क्योंकि कार्बन में पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली कि ऑर्थो या पैरा लगेगा, तो हम ऑर्थो पे आपको मैकेनिज्म बताते हैं। एच सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव, दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑर्थो,
ये पॉजिटिव यहां जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका, ये हो गया डबल डबल ओ एच पॉजिटिव एच सी एच डबल बॉन्ड। इसी को फर्दर आगे बढ़ाएं, दिस वन इज द सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो ये वाला बॉन्ड है सी और एच के बीच का बॉन्ड, ये यहां शिफ्ट करेगा और ये माइनस एच प्लस निकल जाएगा, क्योंकि एच प्लस आपने यहां यूज किया। देखिए एच सी एल का जो एच प्लस जो है वो ये आउट होकर के यहां पर यूज हुआ है, ये वापस भी मिल गया आपको, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दिस वन ओ एच सी एच डबल बॉन्ड ओ, इट मीन्स फॉर्मिल ग्रुप आपने लगा दिया है ऑर्थो पोजिशन पे, ऐसे पैरा पोजिशन पे भी लगा सकते हैं। तो इसका मैंने ये हुआ कि जो गैटरमैन कोच हमने लिखी अभी, ये रिएक्शन है गैटरमैन, गैटरमैन कोच के ओ सी एच कोच रिएक्शन। तो ये जो गैटरमैन कोच रिएक्शन है, दिस इज सिंपली ए टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की फॉर्मुलेशन रिएक्शन को ही आप जो है गैटरमैन कोच कहते हैं, या गैटरमैन कोच में फिनॉल का जो है फॉर्मुलेशन होता है। कंडीशन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और AlCl3 लिया जाता है, तो लास्ट में ये कंपाउंड आपके सामने ऑर्थो फॉर्मुलेशन हमने किया। नेक्स्ट रिएक्शन हुबेन होसेक एक रिएक्शन है, अब उसको बताएंगे आपके सामने। हुबेन होसेक रिएक्शन, इसमें फिनॉल लिया जाता है, फिनॉल के साथ में CH3CN या RCN आप कुछ भी ले सकते हैं, CH3CN आप ले लेंगे, और HCl वगैरह लिया जाएगा, और साथ में AlCl3 होगा, और हाइड्रोलाइसिस की जरूरत पड़ेगी, H2H+ होगा, तो इतनी कंडीशंस इसमें अवेलेबल होनी चाहिए, तब जाके बनता है हमारा हुबेन होसेक रिएक्शन। तो हुबेन होसेक में सबसे पहले, जैसा कि आपको इससे पहले वाली रिएक्शन है गैटरमैन कोच, मैकेनिज्म सेम ही, फर्स्ट स्टेप इन दोनों का रिएक्शन होगा। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो इससे हमें एच पॉजिटिव मिलेगा, वो एच पॉजिटिव इससे ट्रीट होगा, जो कि इससे पहले में कार्बन मोनोऑक्साइड था, तो हुबेन हो सकते CH3CN यानी कि अल्काइल साइनाइड वगैरह लिया हुआ है, नाइट्राइल वगैरह लिया हुआ है, तो पहला स्टेप HCl प्लस AlCl3 इक्वल टू आपका हो गया, ये यहां शिफ्ट हो गया AlCl4 नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव, ओके। देन सेकेंड स्टेप CH3CN, सी और एन के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड प्लस एच पॉजिटिव। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि ये जो एच पॉजिटिव है प्रोटॉन को जो है वो कहां अटैक करेगा, तो आप देखते हैं कि नाइट्रोजन में लोन पेयर है, तो ये यहां अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो नाइट्रोजन में आप देखेंगे पॉजिटिव आएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड एन एच, और यहां पर आ गया पॉजिटिव, और जैसे पॉजिटिव आएगा पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, तो पाई बॉन्ड जब यहां शिफ्ट करेगा तो CH3C डबल बॉन्ड एन एच और कार्बन में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन में पॉजिटिव आएगा ये आ गया, तो ये अटैक करेगा अब फिनॉल में, तो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। फिनॉल हमने लिया OH प्लस CH3C पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH, तो ये हो जाएगा सेम ऑर्थो पोजिशन पे ही हम अटैक कर रहे हैं, तो ये कार्बन पॉजिटिव यहां पे अटैक करेगा, तो ये हो गया डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव हियर H, यहां पे आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड एन एच, और ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, इस तरह का स्पेसिंग बन गया। इसके बाद हमें क्या करना, दिस वन इज अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स चेंज होगा स्टेबल फॉर्म में, तो ये यहां आएगा, ये एच जो है ये कैसे लेना है, ये एच इसके पास आ गया क्योंकि लोन पेयर है यहां पर, तो इसके बाद जो स्पीसीज बनेगी वो स्पीसीज कुछ इस तरह से बनेगी, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH, C,
CH3 double bond NH H and now this one get positive charge. जो ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनी है अब इसके बाद जो चेंज करते हैं क्योंकि हमने क्या क्या लिया देखिए हाइड्रोलाइसिस और यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस भी है तो इसके बाद H2O का इसके साथ में रिएक्शन करेंगे क्योंकि H2O का रिएक्शन होने से पहले अगर हम ये कहें कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा तो देखिएगा क्योंकि नाइट्रोजन में पॉजिटिव है तो इसके बाद ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH CH3 एंड नाउ दिस पॉजिटिव H इसके बाद जब आप H2O की इसके साथ में रिएक्शन करेंगे तो H2O में है हमारा H+ एंड OH-, H+ तो आउट हो जाएगा और आउट हो जाएगा और सिस्टम में जहां जहां ये लिया हुआ H+ लिया हुआ वापस मिल जाएगा उसको और OH लेकिन यहां मिल जाएगा तो इसके बाद वाली जो स्पीसीज बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH CH3 OH हियर NH ये बन गया. नाउ दिस वन इज अनस्टेबल स्पीसीज. ये अनस्टेबल है. अनस्टेबल होने का रीजन एक सिंगल कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव विद सिंगल बॉन्ड तो ये स्टेबल में कैसे चेंज होगा O और H के बीच का बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा और ये यहां आएगा ये नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलकर के अमोनिया यहां पर अलग हो जाएगा और जो फाइनल कंपाउंड हमें मिलेगा वो ये मिलेगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड O CH3 दिस वन इज द फाइनल. ये बनता है हुबेन हॉसिक के साथ में इसका बने इसका जो प्रोडक्ट हमारा बना वो ये बन गया डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड O CH3. बाकी साइड प्रोडक्ट HCl H2O ये सब अलग चीज. ओके एक लास्ट रिएक्शन और आपके सिलेबस में दिया हुआ है शॉर्टेन और बोमिन की रिएक्शन है. दिस इज अ सिंपल ए टाइप ऑफ द बेंजीन और बेंजोइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन होगा तो एक उस रिएक्शन को भी देखेंगे. इस चैप्टर की जो लास्ट रिएक्शन दी हुई है सिलेबस में ओके फिनॉल की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ में करेंगे आप. बेंजोइल क्लोराइड हो गया सी डबल बॉन्ड ओ सी एल और NaOH एक सिस्टम होगा और लेकिन वो एक्वस में रहेगा एल्कोहलिक नहीं होगा. इस रिएक्शन का नाम है SCHOTTN शॉर्टेन और नाम दिया हुआ है बोम BAUME बोमेन रिएक्शन ये इसका नाम है. तो रिएक्शन बहुत आसान है आपको कंडीशन पता है क्योंकि आपने लिया है फिनॉल. फिनॉल के साथ में आपको दिया गया है बेंजोइल क्लोराइड ये COCl है और हमें मालूम है कि जो ये NaOH है ये एक्वस है और फिनॉल जो होता है वो एसिडिक होता है तो फिनॉल में ये H+ जो आउट होगा ना ये H+ फिनॉल में से जो आउट होगा वो बेसिक मीडियम में आउट होगा और ये O पे जैसे ही नेगेटिव आएगा ये आपका इस पे अटैक कर जाएगा तो इसको बनाना तो ऐसे है ये हो गया इट मींस माइनस HCl प्रोडक्ट इज दिस ये हो गया आपका O C डबल बॉन्ड O और नीचे जो है रिंग जो लगनी है वो यहां भी लगती है ये तो इसका मैकेनिज्म बनाने के लिए कि हमें ये करना है कि जो फिनॉल है ये फिनॉल है इस पे NaOH का अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो पहले बनेगा फिनॉक्साइड आयन O नेगेटिव क्योंकि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा और ये जो है O नेगेटिव हो गया. अभी हम NaOH भी नहीं जोड़ रहे हैं जस्ट O और प्लस जो है H2O. अच्छा है तो लिख सकते हैं O नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव. दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है जो ये फिनॉक्साइड आयन है इसकी रिएक्शन होनी है डबल बॉन्ड O CL के साथ क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट करेगा तो इसमें जो पॉजिटिव आएगा ये पॉजिटिव के साथ में ये जुड़ जाएगा. जब ये पॉजिटिव के साथ में जुड़ेगा तो इसके बाद जो बनेगा वो इस तरह का कुछ बनेगा डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O इधर
है? नो, नॉट डबल बॉन्ड नाउ ऑन द सिंगल बॉन्ड, दिस वन इज नेगेटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पे जो सीएल यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये हो गया। अब हम जैसा कि देख रहे हैं एक सिंगल बॉन्ड सी के साथ में ओ भी है, सिंगल बॉन्ड ओ भी है, सिंगल बॉन्ड सीएल भी है, दिस वन इज अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल जो स्पीसीज है वो स्टेबल में जो चेंज होगी वो कैसे चेंज होगी, ओ एन ए और क्वार्टर अगर मीडियम है ये हमारे पास पोलर मीडियम, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ आउट होगा, तो देन फाइनल इज दिस वन माइनस सी एल नेगेटिव, और वो एन ए प्लस से जुड़ करके एन ए सी एल बना देगा, तो देट इज द फाइनल। तो ये शॉर्ट एंड बोमेन रिएक्शन है, दिस इज द बेंजोइलेशन रिएक्शन, बेंजोइल क्लोराइड और फिनॉल के रिएक्शन से ये बनता है, ये सब जो है हमने फिनॉल के रिएक्शन पढ़ी। थैंक यू वेरी मच।